दोस्तों कैसे आप सभी लोग आ चुके हैं हम यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ। Hey, what's up guys? Welcome back to another video. अबे वहाँ बैठे सिंचन फुल इंग्लिश। तो दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि माइनक्राफ्ट की पिछली वीडियो में हमने ढूंढी थी एक सीक्रेट केव। अबे ढूंढी क्या थी, हमारे घर के पास ही थी वो तो। हाँ मतलब जो भी है, हमने वो सीक्रेट केव ढूंढी थी और उस सीक्रेट केव के अंदर हमने करी थी खूब सारी माइनिंग और वहाँ पे हमें बहुत ही खतरनाक चीजें मिली थी। जैसे लावा मिला था, अजीब अजीब जानवर मिले थे और बहुत मस्त चीजें भी मिली थी, जैसे बहुत सारा आयरन, लैपिस, रेडस्टोन और सबसे मेन बात हमें बहुत सारा डायमंड मिला था। भाई साहब मजा ही आ गया था पिछली बार, है ना डोरेमोन भैया? हाँ यार सही कहा यार सिंचन तूने। लेकिन गाइस अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करें, तो हम ऐसे ही आप लोग के कमेंट पढ़ रहे थे और ऐसे ही खाते पीते ऐसे घूम रहे थे हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, और इतने में हमें सामने दो लोग दिखे। पता होने लगा वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं थे। हाँ यार जैसे ही हम उनके पास गए वो हमें मारने लग गए ऐसे की तैसी उनकी, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, हमने उनके इतने फटके मारे कि अब वो किसी और को पोके फटके मारने लायक नहीं रहेंगे। हाँ सही कहा, और उन्हें मारने के बाद हमें ये इस टाइप का कुछ बैनर भी मिला, इससे सबको पता चलेगा कि हम है यहाँ के गुंडे, हमसे कोई नहीं बच पाता है। लेकिन दोस्तों यार फिर हमने सोचा कि ऐसे तो यार कोई भी आके हमारे से पंगा लेने लगेगा यहाँ, और अगर हम यहाँ पे नहीं हुए तो वो हमारी भेड़ बकरियों को मार देगा, तो हमने सोचा सबसे पहले ये ज़ॉम्बी को मारो। इसके बाद हमने अपनी गाय, मुर्गी और भेड़ बकरियों को खिलाया थोड़ा सा खाना ताकि ये थोड़ी सी और ब्रीडिंग करें और ये हमको और बच्चे दें, और हम ये कैची लेकर इनके बच्चों को गंजा कर दें। अरे डोरेमोन भैया आप नाई हो क्या, इन्हें गंजा क्यों कर रहे हो? अरे भाई उनके सर पे जू हो जाएगी ना सिंचन, जैसे मसाओ के सर पे है। अरे वो सब छोड़ो दोस्तों, देखो अब हम यहाँ पर आए हैं गाय माता का दूध पी के हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी। दोस्तों क्या आप भी दूध पीते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पर गाय से हमने बहुत सारा दूध पी लिया गाय माता का, और अब हम यहाँ पर आ गए हैं कुछ सामान जमा करने के लिए। लेकिन क्या सामान जमा करना है? अरे यार देखो बसाओ, आज हम अपने लिए बनाने वाले हैं बॉडीगार्ड और एक दोस्त, उसका नाम है गोलेम। आज हम गोलेम बनाने वाले हैं, और ये देखो पीकी कैसे देख रहा है। तो गोलेम बनाने के लिए हमें आयरन चाहिए और ये थोड़ी सी पंपकिन चाहिए, तो यहाँ पर हम बहुत सारे पंपकिन तोड़ के अपने घर ले चलते हैं और फिर हम अपनी रक्षा के लिए अपना बॉडीगार्ड गोलेम बनाने वाले हैं। हाँ सही कहा डोरेमोन भैया, आपने मजा आ जाएगा। तो ये देखो गाइस हमारे घर के सामने ही थोड़ा सा एरिया खाली है, तो यही पर हम बनाएंगे अपना गोलेम। हाँ और ऐसे ऐसी वैसी जगह पे नहीं छोड़ेंगे अपने गोलेम को, अपने गोलेम के लिए हम एक बढ़िया सा घर बनाएंगे ताकि उसको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई हमारे जो ओनर है वो बहुत ही अमीर है। हाँ भाई, और हम तो माइनक्राफ्ट में अमीर हो ही चुके हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ऐसे करके पूरा एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। और भाई साहब ये देखो यार कितना उबड़ खाबड़ है ये, तो इसको फटाफट से हम एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म बना देते हैं और फिर यहाँ पर हम अपने गोलेम को घर बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ सही कहा। तो दोस्तों ये देखो हमने अपना पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है अपने गोलेम भाई के लिए, और चारों तरफ हम यहाँ रेलिंग भी लगा लेते हैं ताकि गोलेम नीचे ना गिर जाए। अरे यार डोरेमोन भैया गोलेम नीचे नहीं गिरेगा, गोलेम मसाओ की तरह गधा थोड़ी है। यार तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अरे मसाओ क्योंकि जो गधा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर नीचे थोड़ी सी मिट्टी है ना, इस मिट्टी को हटाते हैं, हमारा गोलेम मिट्टी में थोड़ी सोएगा। हाँ सही कहा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो हम ये सारी मिट्टी हटा देते हैं और नीचे एकदम बढ़िया चमचमाती वुड की जमीन बनाएंगे अपने गोलेम के लिए ताकि वो आराम से लेट के आराम में फरमा सके। हाँ सही कहा। तो फटाफट से सारी मिट्टी और ये कबाड़ा हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़े बहुत स्टोन रह गए हैं, और ये देखो ये भी हम हटाने वाले हैं, और ये देखो हट गए सारे, और अब यहाँ पर हम लगा देते हैं ये ओक लॉग, और ये देखो हमारे गोलेम का क्या मस्त घर तैयार हो गया है। अरे अभी घर कहाँ तैयार हुआ है नोबड़े सिंचन? अबे मसाओ तू चुप कर, तेरे से किसने पूछा? तो गाइस एक काम करते हैं यहाँ पर पीछे आकर देखते हैं एक बार, और ये देखो क्या खतरनाक घर है हमारा, और इसके आगे यहाँ पर हमारा गोलेम रहेगा हमारी रक्षा करने के लिए। तो गाइस अब हमारे पे हमला करने से पहले कोई 100 बार सोचेगा। अरे यार देखो ये मुर्गी कितनी प्यारी है, हेलो मुर्गी कहाँ जा रही है तू? अबे यार मैं तो अंदर गिर गया मुर्गी के साथ। अबे मुर्गी के साथ कहाँ जा रहे तू मसाओ? और ये मुर्गी तो बहुत शैतान है, इसने हमारे को बहुत परेशान किया था गोलेम का घर बनाते हुए, इसको हमें जमीन के अंदर दफना देते हैं। अब ये मुर्गी जमीन के अंदर दफन रहेगी और इसकी आत्मा हजारों सालों तक यहीं रहेगी, अब इस मुर्गी को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों यहाँ पर मुर्गी की नींद हराम करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी नींद पूरी करने के लिए, क्योंकि भाई हमें तो बहुत काम है, मुर्गी को तो कुछ काम नहीं था, वो तो दफन भी रही क्या जाता है। तो यहाँ पर देखो सुबह हो चुकी है, और अब बारी है यहाँ पर हमारे को गोलेम बनाने की। तो यहाँ पर गोलेम के लिए थोड़े बहुत आयरन ब्लॉक लगते हैं और लगता है पंपकिन, जो कि हमने पहले ही इकट्ठा कर लिया है। हाँ सही कहा, चलो गोलेम बना देते हैं यहाँ पर। हाँ भैया भाई मैं बनाऊंगा, ये देखो यहाँ पर बनाते हैं, और ये एक
ये ऊपर दो और इधर की साइड एक इसका हाथ, एक इधर की साइड हाथ, और अब लगा देते हैं पंपकिन। तो भैया ऐसे कहां से लगा दो पंपकिन, चलो हाँ अब लगा दे पंपकिन। डैंटी डैंट बन गया हमारे गोलेम। अबे लगता है किसी ने सिंचन का उल्लू बना दिया। अरे भाई नहीं भाई, उल्लू नहीं बनाया, ये देखो गोलेम बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे होता है, देखो डैंटी डैंट बन गया गोलेम। अरे बहुत भैया कितना खतरनाक लग रहे हैं हमारे गोलेम। हेलो गोलेम, हेलो तुम्हारी रक्षा करेगा ना? अरे यार मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। अरे भाई डर मत मचाओ, हमारा गोलेम हमें कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा ना डोरेमोन भैया? हाँ भाई शायद हमारा गोलेम हमें कुछ ना कहे। खैर ये देखो अभी हमारा नया बॉडी कार्ड है और हमारा नया दोस्त, अब देखते हैं हमारे दोस्त से कौन पंगा लेता है। हाँ सही कहो। अरे यार सिंचन ना डोरेमोन भैया, हमें अपने गोलेम के ऊपर एक छत भी तो बनानी पड़ेगी, वरना हमारे गोलेम को बारिश में जंग लग जाएगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, हम इसे मजाओ की बात तो सही है, हमें छत तो बनानी पड़ेगी। डोरेमोन भैया अपने प्यारे गोलेम के लिए हम यहाँ पर देखो, जैसे हमारे ऊपर ऐसी छत है ना, ऐसी छत बनाते हैं इसके ऊपर। हाँ सही कहा सिंचन, तो एक काम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऐसे दो फेंस लगा के यहाँ पर ऊपर टावर सा बना देते हैं। और यार इस साइड ना कॉर्नर अजीब सा है, पूरा शो खराब कर रहा है। खैर छोड़ो उसको, हम बाद में ठीक कर देंगे। और एक काम करते हैं यहाँ पर इस फेंस की लकड़ी लगा के थोड़ा और ऊंचा करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं ब्लॉक। हाँ अब ऐसे हम चारों तरफ करेंगे और फिर इसके ऊपर हम स्लैब्स लगाएंगे। चलो स्लैब्स लेकर आते हैं। हाँ सही कहा डोरेमोन भैया। तो गाइस ये देखो हम यहाँ पर स्लैब ले आए हैं और ऐसे ऐसे करके देखो हमने ये चारों तरफ स्लैब लगा दी है यहाँ पर, और हमने चारों तरफ बाउंड्री भी बना दिया है, ये लंबे लंबे खम्भे बना दिए हैं, और अब बस हमको गोलेम को ऊपर से ढकना है और हमारे गोलेम भाई का घर तैयार। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये काम करते करते रात हो चुकी है भाई, और ये देखो यहाँ पर बस ये पूरा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन यार इस कॉर्नर पे अभी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये देखो ये जो कॉर्नर हमारे फार्म का है ये थोड़ा सा शो खराब कर रहा है हमारे गोलेम के घर का, और ये कॉर्नर ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो हमको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा सिंचन। अरे भैया एक काम करते हैं, यहाँ पर इस कॉर्नर के बराबर लेंथ का यहाँ पर गोलेम का हम घर बना देते हैं। हाँ यार गोलेम का घर छोटा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, सही है सुंदर लगेगा। तो गाइस एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर हमने ऐसे लॉक लगा के इसके बराबर का कर दिया इसे। अब एक काम करते हैं यहाँ पर ना इसको इस वाली लॉक को तोड़ देते हैं और यहाँ पर एक फेंस लगा देते हैं। हाँ चलो लगा देते हैं। और अबे गोलेम कहाँ जा रहा है, नीचे चल। भाई साहब ये गोलेम तो भाग रहा है यहाँ से, चलो फटाफट से हम यहाँ पर अपनी सारी फेंस लगा देते हैं वरना गोलेम का बच्चा भाग जाएगा। और भाई ये देखो हमने यहाँ पे सारी फेंस लगा दी है, अब चलो यहाँ पे से ये डर्ट लगा के यहाँ से बाहर चलते हैं। अरे यार हमारे गोलेम का कुछ नाम तो रखो। अरे हाँ यार हमें अपने गोलेम का कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा। और काम करते हैं हमारे गोलेम का नाम अच्छे गुल्लू। अरे हाँ सही कहा, कितना बढ़िया नाम है गुल्लू। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको गुल्लू नाम अच्छा लगा या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गोलेम की छत तैयार हो चुकी है और अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट लगा देते हैं और वो देखो हमारा गुल्लू लड़ भी रहा है उन मॉन्स्टर से। चलो बढ़िया है, इसकी ट्रेनिंग हो रही है। और यहाँ पर एक काम करते हैं पूरा उजाला कर देते हैं इसके घर पे, वरना पता चल रहा कहीं गुल्लू सुसु करने गया और मसाओ की तरह गटर में गिर गया। सबको मत पता मैं गटर में गिर गया था, मसाओ ने उड़ा कहीं का। अरे दोस्तों ये देखो यहाँ पर आ गया ये ज़ॉम्बी, चलो अपने गुल्लू को टेस्ट करते हैं। आजा ज़ॉम्बी आजा मार मार गुल्लू से। ये वो देखो गुल्लू ने शक्तिमान बना दिया ज़ॉम्बी का। अरे वाह हमारे गुल्लू तो बहुत ही ताकतवर है, अब हमसे कोई भी पंगा नहीं ले पाएगा, क्यों सही कहा ना डोरेमोन भैया? हाँ सही कहा सिंचन, हमारे गुल्लू सबसे ताकतवर है। लेकिन सिंचन अभी काम पूरा नहीं हुआ है हमारा, अभी हमको एक बहुत ही तगड़ा टावर भी बनाना है। अरे टावर कैसा टावर? अरे अभी हमको एक स्नाइपिंग टावर बनाना है, ताकि यार अगर कोई हमारे पे अटैक करे तो हम स्नाइपिंग टावर के ऊपर से जाके उसको क्रॉसबो या बो से मार सके। अरे हाँ सही कहा डोरेमोन भैया आपने, तो चलो एक काम करते हैं अभी गुल्लू के आजू बाजू जितने भी फालतू का सामान है इसको हटा देते हैं, ये डर्ट वगैरह को। और यहाँ पर ओ भाई साहब ये देखो कितने ऊपर टावर बना रखा है, अब देखो गाइस हम यहाँ पर कैसे कूदेंगे प्रो की तरह बिल्कुल। ये देखो अब हम तो प्रो बन गए माइनक्राफ्ट में, हे प्रो हमें प्रो। अरे भाई यार सिंचन प्रो बाद में बनना तू। तो गाइस ये देखो यहाँ पर हमने एक चेस्ट लगा दी है, अब हम यहाँ पर से जितना भी सामान माइनिंग करके लाएंगे वो चेस्ट में जाके रखेंगे। और यहाँ पर ये है हमारे गुल्लू का घर, और ये देखो यहाँ पर हम ऐसे कूद के ऊपर जाएंगे और अपने घर के अंदर चल जाएंगे, और ऐसे करके हम यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हमको बनाना है एक स्नाइपिंग टावर, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, अपने घर की छत को हमें गुल्लू के घर की छत से कनेक्ट करना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों आपको ऐसा क्यों करना है? अरे यार क्या पता वो ऊपर हमारे घर के अंदर भी आ जाए जो हम पे अटैक करे, तो हमको भागने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पर ये जो फेंस है ना इसको तोड़ते हैं फटाफट से, और इस फेंस को नीचे से जाके कनेक्ट कर देंगे हम गुल्लू के घर से। अरे हाँ सही कहा आपने, सही प्लान है। तो भाई यार यहाँ पर तो थोड़ा हिसाब सही नहीं बैठ रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पर से थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन करते हैं,
तो यहाँ पर हाँ ये देखो ये वाली स्टेयर हमें यहाँ पर तोड़नी है, तो फटाफट से वाली स्टेयर तोड़ देते हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं। अरे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अभी टेम्पररी ब्लॉक लगा दिए डर्ट का, और इसको यहाँ पर इधर चलते हैं और ऐसे करके यहाँ पर इसे यहाँ से जोड़ देते हैं। ये देखो हो गया, अब हमको बस ये डर्ट हटानी है और यहाँ पर ये ओक लॉक लगा देनी है। क्यों सही कहा ना? हाँ सही कहा पिंडोरमैन भैया, चलो इसको हम बाद में लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हम उधर टावर का काम शुरू करते हैं। हाँ चलो ठीक है। हाँ यार लेकिन डोरेमोन भैया आप ये टावर बना कहाँ पर रहे हो? अरे यार ये देखो जहाँ पर हमारा सीक्रेट केव थी ना उसके ऊपर हम ये सीक्रेट टावर बनाएंगे, ऊपर भी सीक्रेट नीचे भी सीक्रेट, टू मच ऑफ सीक्रेट। तो डोरेमोन भैया ये देख, अरे यार आपने तो बंद ही कर दिया इसका रास्ता, ये रास्ता खोलो इसका। अरे यार सॉरी मैंने गलती से बंद कर दिया, तो ये देखो ये हमने रास्ता खोल दिया है। अब ये देखो यहाँ पर हमारा टावर बनेगा, देखो यहाँ से हम ऐसे भाग कराएंगे और यहाँ पर अंदर घुस के और एकदम ऊपर तक चले जाएंगे अपने टावर में। चलो अंदर चल के बहुत सारे स्टोन्स लेकर आते हैं और इस टावर को बहुत ही ऊंचा बना देंगे, एकदम बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा। हाँ सही कहा। तो गाइस देखो हम यहाँ पर बहुत सारे स्टोन लेकर आ गए हैं और अभी हमें इस टावर को बहुत ही ऊपर तक बनाना है, तो चलो फटाफट से इसका काम शुरू करते हैं और इसको ऊंचा करते हैं। हाँ चलो करते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टावर को तो बना दिया है और ये देखो यहाँ पर हमने टावर का एक और रास्ता खोला है और अब ये देखो हम यहाँ पर ऐसे डर्ट के ब्लॉक लगाते हुए आ रहे हैं। अब हम टावर को, गुल्लू के घर को और अपने घर को, तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे ताकि हमें जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखो यहाँ पर अभी हमें डर्ट के ब्लॉक लगा रहे हैं, इसके बाद हम इन्हें तोड़ के मतलब एकदम पक्का काम कर देंगे ओक लॉक का। और अबे वाह भाई वाह। तो गाइस ये देखो हमने यहाँ पे डर्ट के ब्लॉक तोड़ के पूरे यहाँ पर लकड़ी का लगा दिया सामान और यहाँ पर ये देखो क्या मस्त बन गया ये एरिया। और भैया यार ये गुल्लू के घर के छत की थोड़ी खाली रह गई यहाँ पे साइड की दीवार, और यहाँ पे रेलिंग लगा देते हैं वरना ये नोबड़ा मसाव गिर जाएगा यहाँ पर। चलो गाइस यहाँ पर देखो अब इधर से जाकर हम यहाँ पर पूरी नजर रख सकते हैं और यहाँ पर अपने इधर की साइड में नजर रख सकते हैं, और यहाँ पर से देखो ये रहा हमारा टावर। इतना छोटा सा टावर है, तुम तो बोल रहे थे बुर्ज खलीफा बनाओगे, तुम तो नोबड़े हो। अभी यार चुप मसाव, अभी हम बनाएंगे खलीफा, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर ये कनेक्ट भी तो करना था सब। हाँ लेकिन इस टावर को बड़ा तो करो। अरे एक काम करते हैं, टावर में चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी भी चाहिए होंगी, तो ये लैडर बना लेते हैं थोड़ी। और ये यार क्या हो रहा है? तो गाइस ये देखो यहाँ पर हमने बहुत सारी लैडर्स बना ली हैं, इन लैडर को इकट्ठा कर लेते हैं और अब नीचे चलते हैं फटाफट से और अपने टावर का काम वापस से शुरू करते हैं। हमें आज ये काम खत्म करना है और अपने टावर को एकदम खतरनाक सा स्नाइपिंग टावर बना देना है जैसा किसी का नहीं हो, है ना दोस्तों? हाँ सही कहा डोरेमोन भैया। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे सीढ़ी लगाते हैं और यहाँ पर हम फटाफट से ऊपर जाएंगे और यहाँ देखो यहाँ पर हम इधर की साइड आ जाएंगे। अच्छा और अगर हमें यहाँ से वापस ऊपर जाना हो तो और ऊपर कैसे जाएंगे? अरे वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी उसके लिए हमें इस वाली दीवार पे सीढ़ी लगानी पड़ेगी तभी हम ऊपर जा सकते हैं। हाँ सही कहा डोरेमोन भैया आपने। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं सीढ़ी, क्यों यहाँ सही है ना? हाँ सही है, देखो यहाँ से ऊपर आएंगे और ऐसे करके यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएंगे हम, बिल्कुल सही। चलो फटाफट से सीढ़ी को ऊपर तक लगा देते हैं और ये देखो यहाँ पर हमारी सीढ़ी लग चुकी है। और अब देखो हमें इधर जाना है तो हम यहाँ पर भी ऐसे आराम से इधर आ सकते हैं, और हमें नीचे जाना है तो यहाँ से कूद के नीचे जा सकते हैं हम, और हम यहाँ से और ऊपर भी जा सकते हैं। तो चलो ऊपर चल के देखते हैं, ये देखो यहाँ पर हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो चलो अब फटाफट से अपने टावर को और ऊंचा करते हैं और बना देते हैं इसे दी अल्ट्रा बीस्ट बुर्ज खलीफा स्नाइपिंग टावर। हाँ डोरेमोन भैया चलो काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमारा टावर का काम लगभग खत्म हो चुका है और ये देखो यहाँ पर बस हमको ये सीढ़ी लगानी है, और ये देखो कितना मस्त बना दिया हमने। अरे यार ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं बना दिया हमने? अरे भाई सही कहा, ये यार कुछ ज्यादा ऊंचा हो गया शिनचैन। अरे नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, अब हम यहाँ पे इसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और वहाँ पर एक हम खतरनाक सा कमरा बनाएंगे जहाँ से हम दुश्मनों पे आक्रमण करेंगे। ये देखो यहाँ पर हम चारों तरफ नजर रख सकते हैं। और भाई यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, कैसे करूँ ये? भाई लग जा हाँ लग गया। अब एक यहाँ पर भी लगाना है, एक इधर भी और एक इधर भी और एक लग जा, लगता क्यों नहीं है? लग जा, हाँ लग गया। चलो एक यहाँ पर और एक इधर लगाना है आराम से। अबे यार सिंचन हट, तू नूबड़ा है, देख मैं तुझे दिखाता हूँ मैं प्रो हूँ, देख ऐसे और वाह वाह डोरेमोन भैया वाह, कितने प्रो हो आप, आपके जैसा प्रो तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे अरे कोई बात नहीं सिंचन,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में छोटे मोटे एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमने पूरा काम कम्प्लीट कर दिया है अपने टावर का, और हम अपने टावर को इतना जबरदस्त बना दिया है ना कि लोग दूर से देख के डर जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या बना दिया? चलो दिखाते हैं अपने दोस्तों को भी। हाँ चलो दिखाते हैं। ये देखो हमारा टावर कितना जबरदस्त लग रहा है यार। चलो इधर से अंदर चलते हैं। और अभी ये मकसद इसका है तो दोस्तों ये नीचे से चल के देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर से हम ऐसे ऊपर जाएंगे और इधर देखो पूरी सीढ़ियां लगी है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने लालटेन भी लगाया है। और भाई ये कौन आ गया? हनुमान भैया आ गए हमारे दुश्मन, चलो टावर पे चलते हैं। अभी यार ये तो एक ही है, इसके लिए टावर की क्या जरूरत? अबे यार ये क्या लग रहा है, यहाँ पे स्लैब फोन लगा रहा है। अरे हनुमान भैया मारो फटाफट, से तलवार निकालो। हाँ चलो मारते हैं। तेरी ऐसी कैसी गंजे कहाँ घूम रहा है तू? इधर आ। अबे अबे रुको 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 दोस्तों, मारो मत इसे। अरे क्यों नहीं मार रहे डोरेमोन भैया? अरे एक काम करते हैं, हम इसे अपने गुल्लू के पास ले चलते हैं, हमारा गुल्लू इसकी हड्डी पसली एक कर देगा। सही कहा, हमारा गुल्लू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इनसे लड़ने की। बिल्कुल सही कहा, आ जा आ जा। अबे यार डोरेमोन भैया ये तो दूर से ही मार रहा है। अबे ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया, हमारे गुल्लू तो उसे मार ही नहीं रहा है। अबे गुल्लू मार उसे। अबे यार ये गुल्लू मार क्यों नहीं रहा है? गुल्लू अगर तूने उसे मार के हमें बचाया ना तो हम तेरे लिए गुल्ली लेकर आएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है डोरेमोन भैया, ऐसे थोड़ी सुनेगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे भाई साहब, ये डोरेमोन भैया गुल्लू तो बहुत ही तेज हो रहा है, हमें तो इसने बचाया नहीं, और जैसे हमने इसे कहा तेरे लिए गुल्ली लेकर आएंगे, एकदम से लड़ने लग गया उससे। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ले आएंगे इसके लिए गुल्ली, उसके लिए बस हमें थोड़ा सा आयरन जमा करना है। तो दोस्तों चलो ऊपर चलते हैं और पूरा जो हमने अभी बनाया है इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ सही कहा। तो ये देखो, ये हम अपनी छत में आ गए और यहाँ से हम इधर जाएंगे और राइट की तरफ ही जाएगा टावर में, और लेफ्ट की तरफ ये रास्ता जाएगा गुल्लू की छत में। तो ये देखो, ये गुल्लू की छत में आ गए हैं हम। और अब गाइस यहाँ पर हम गुल्लू की छत में कोई खतरनाक सा एकदम सीक्रेट रूम बनाने की सोच रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमें यहाँ पर क्या बनाना चाहिए। और ये देखो, ये ऊपर टावर है और यहाँ पर देखो हमें इसके अंदर चलना है, और यहाँ पे ऐसे करके देखो हम ये टावर से नीचे भी जा सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके हम ऊपर भी चले जाएंगे। और हमने यहाँ टावर में भी दो चीज करी है। ये देखो, यहाँ पर हमने ऐसे छोटा सा एरिया बनाया है, पूरी बालकनी बुलकनी एकदम। यहाँ पर देखो हम खड़े होकर ऐसे अपने विलेजर्स पे नजर रख सकते हैं और दूर दूर तक के जंगलों में देख सकते हैं। और ये देखो, यहाँ पर हमने इतना सारा लालटेन भी लगाया है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पे आयरन की कमी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो हमने इतना मस्त बना दिया इसे। और अभी इतना ही नहीं है, इसके ऊपर भी चल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, इसके ऊपर हमने इतना मस्त सही एरिया बना दिया यहाँ पर। ये देखो बेड भी है, और ये देखो ये चेस्ट भी है यहाँ पर। इस चेस्ट के अंदर हम अपने सारे हथियार वगैरह रखेंगे। ये हथियार रख दिए हमने यहाँ पर, चलो इसे उठा लेते हैं, बाद में रख देंगे। और ये देखो, इस वाली चेस्ट के अंदर हम रखेंगे खाने पीने का सामान, या फिर जो भी बाकी का बचा होगा हम वाला सामान रखेंगे। और ये देखो, अब हम यहाँ पर ऊपर सब पे नजर रख सकते हैं दूर दूर तक। हाँ हाँ, अब हमारे जब मंगा लेने वाला कोई नहीं है, हम है यहाँ के राजा। अरे ये देखो डोरेमोन भैया, यहाँ पर हमें नीचे जाना है बिना सीढ़ी के, तो हम यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हैं। ये देखो मजा आ गया। अरे भाई बस सिंचन, तो चलो फटाफट से ऐसे नीचे चलते हैं, कहीं हमें ऐसे गिर ना जाए। तो दोस्तों ये हमने इतना खतरनाक टावर बनाया है, ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार मैं सोच रहा हूँ हमको यहाँ पर अपने लिए कैसल भी बनाना चाहिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हमको माइनक्राफ्ट में एक कैसल बनाना चाहिए या फिर एक मॉडर्न हाउस, क्या बनाना चाहिए हमें? हाँ दोस्तों, मुझे तो मॉडर्न हाउस पसंद है। नहीं, मुझे तो कैसल पसंद है। हम अपने कैसल में घोड़े वगैरह भी रख सकते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, ये क्रीपर तेरी ऐसी की तैसी? अभी क्रीपर नहीं, वो स्केलेटन है। हाँ मतलब जो भी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ये वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि हम आप अगले एपिसोड में क्या करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।